जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, घर जाने की जद्दोजहद। अलग अलग पुलिस थानों से लाए गए लोग, भीड़ को अनुशासन में रखने की पूरी तैयारी। देर रात तक अलग अलग ट्रेनों से रवाना होते रहे मजदूर, महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर आज की तीस। रेल मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे से नहीं किया संपर्क, खाली लौटी 65 ट्रेनें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए भेजी है 34 ट्रेनें, सरकार की कोरी सियासत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौत, एक दिन में 97 लोगों ने कोरोना से गवाई जान, 2000 से ज्यादा नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार, मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए केस। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,535 नए मामले, 1,45,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 146 लोगों की मौत, अब तक 4,167 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 24 घंटे में 404 नए मामले, 14,460 पर पहुंचे कुल मरीज, अब तक 888 लोगों की मौत। नोएडा में कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन की सुविधा, सैंपल लेने में आसानी। नोएडा में कंटेनमेंट जोन की बदली गई परिभाषा, 250 मीटर का तय किया गया दायरा, एक से ज्यादा केस में 500 मीटर तक कंटेनमेंट जोन। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले, 317 पर पहुंची कुल मरीजों की संख्या। 33 कोरोना पॉजिटिव में से 12 पुलिस वाले, पिछले 8 दिनों में सामने आए 118 केस। दिल्ली के आरके पुरम में सड़कों पर दिखी भीड़, कई लोग बिना मास्क के नजर आए। और यह सड़क हादसा मामले में राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जनहित याचिका पर दखल से इनकार। शव और घायलों को एक ही गाड़ी में भेजने को लेकर थी याचिका, याचिकाकर्ताओं ने की थी अपील, हादसे के 40 घंटे बाद शवों के साथ घायलों को भेजना अमानवीय। घायलों का वही इलाज करने के निर्देश देने की थी मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इस संबंध में औरैया डीएम और राज्य सरकार ने उठाया है कदम। पलामू में 36 घंटे के अंदर 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, लू लगने की आशंका, कोई ट्रक से तो कोई पैदल पहुंचा था पलामू, स्क्रीनिंग सेंटर पर बिगड़ी तबीयत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 635 नए मामले, 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 276 लोगों की मौत। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की केंद्र सरकार से अपील, राजधानी में जल्द शुरू हो मेट्रो सेवाएं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 272 नए मामले, 7300 पर पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 167 लोगों की मौत। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 14,000 पन्नों की चार्जशीट में मौलाना साद का भी नाम। 20 देशों में 83 विदेशी जमातियों का चार्जशीट में जिक्र, 12 जून को कोर्ट करेगा सुनवाई। अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान, सेना को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश। शी जिनपिंग ने कहा सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। सरहद पर चीन की करतूत पर पीएम की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस थे मौजूद। तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपा, चीन से निपटने की रणनीति पूछा। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडरों की बैठक, सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर घिरे चीन की हो सकती है नई चाल। देवरिया में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राशन की 3 गाड़ियों को किया रवाना, कार्यक्रम में जुटे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के वाशी में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला की मौत, महिला को जाना था यूपी के जौनपुर। असम के धुबरी में क्वारंटीन सेंटर की हालत से नाराज लोग, खाने पीने की दिक्कत से परेशान। नेपाल से लखीमपुर खीरी लौटे प्रवासी मजदूर, भारत माता की जय और पीएम मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, 1 मीटर की दूरी पर खड़े दिखे कार्यकर्ता। बिहार के खड़े में 13 पुलिस वाले कोरोना के शिकार, पुलिस लाइन में हड़कंप। अभिनेता सोनू सूद की मदद से मुंबई से सहरसा पहुंचा परिवार ने दी दुआएं। लखनऊ में पुल टेस्टिंग के जरिए सैंपल की जांच, समय और पैसे की बचत। पुल टेस्टिंग में एक से ज्यादा सैंपल को मिलाकर होती है जांच, पॉजिटिव आने पर फिर अलग अलग होता है सबका टेस्ट।
लखनऊ के केजीएमयू में आई 4 ट्रून मशीनें, 1 घंटे में कोरोना की जांच। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जबरदस्त गर्मी, कल 47 के पार पहुंचा था तापमान, 2 दिन भारी गर्मी की चेतावनी। हरियाणा और पंजाब में आसमान से बरस रही है आग, बिजली और पानी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किल। राजस्थान में लगातार बढ़ा है तापमान, चुरू में 50 के करीब पहुंचा पारा, गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को किया बेहाल। भीषण गर्मी की चपेट में विदर्भ, मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मदुरई में तपती गर्मी में अस्पताल के बाहर बैठे थे मरीज, एम्बुलेंस के लिए कर रहे थे इंतजार। कानपुर में धूल भरी आंधी से गिरा तापमान, गर्मी से राहत। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाया गया 28 रिलीफ कैंप, कोरोना संकट के बीच नई आफत। मेघालय में भी हो रही है जबरदस्त बारिश, 8 जिले प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपुलेख तक भारत ने 80 किलोमीटर की सड़क बना डाली, स्थानीय लोग खुश। सड़क की वजह से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को आसानी, 21 दिन की यात्रा में लगेगा अब 1 दिन का वक्त। चमोली में तेंदुए की जोड़ी बनी आकर्षण का केंद्र, हर शाम एक पत्थर पर आकर करते हैं आराम। सुपा में 4 साल की कोरोना कर्मवीर को पुलिस ने किया सम्मानित, दफ्तर बुलाकर एसपी ने बढ़ाया हौसला। नासिक में प्याज के किसान परेशान, फसल की कीमत गिरने से नुकसान। 1 जून से कर्नाटक में मंदिरों के खुलेंगे दरवाजे, सावधानी और नियम के साथ श्रद्धालु करेंगे दर्शन, अल्पसंख्यक कमेटी ने कहा अब तक मस्जिद और चर्च के लिए नहीं आए कोई आदेश। केरल तमिलनाडु में भी उठी मंदिर खोलने की मांग, पुडुचेरी में हिंदू संगठन का प्रदर्शन। लखनऊ में खुल गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 1/3 दुकानें खोलने की शर्त के साथ दी गई इजाजत। आज से खुलेंगे भोपाल के बाजार, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त निर्धारित। अलग अलग सामान के लिए अलग अलग दिन किया गया है तय, बुजुर्गों और बच्चों के लिए घर से निकलना प्रतिबंधित। छतरपुर पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को अवैध हथियारों सहित किया गिरफ्तार, शहर की सड़कों पर निकाला जुलूस। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर ट्रक में आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर बचाई जान। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के करीबी पप्पू पांडे की हत्या, पुलिस कर रही है जांच। कानपुर के फूलबाग में केस्को की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में लगी आग पर काबू, मामले की हो रही जांच। जुए के अड्डे पर दबिश देने में मध्य प्रदेश बॉर्डर में पहुंच गई यूपी की पुलिस, गांव वालों ने बंधक बनाकर पीटा। गुरदासपुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग, बच गए कार सवार। दिल्ली के प्रीत विहार में एक शख्स को पीटने के बाद गाड़ी में ले गए 4 से 5 लोग, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। अलीगढ़ में बाइक टकराने को लेकर 2 लोगों में अनबन, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव। पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में, 12 से ज्यादा लोग घायल। कानपुर में सीआईएसएफ के जवान की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के चंदौली में रेलवे ट्रैक पर मिले 4 शव, पुलिस के मुताबिक महिला ने 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ की थी खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक महिला के गांव में हुई थी पंचायत, पति ने लगाया था वह संबंध का आरोप। हापुड़ में ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल। ग्रेटर नोएडा के गेस्ट हाउस में छापा, 6 रैकेट का भंडाफोड़। उबर इंडिया और कार देखो ने 800 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, टीवीएस मोटर्स अगले 6 महीने तक देगी कम सैलरी। एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर्ड ना होने वाले दुकानदार और छोटे कारोबार को मिलेगी राहत, इमरजेंसी क्रेडिट के होंगे हकदार। अप्रैल में थर्मल कोल का आयात 30% घटकर 7.8 मिलियन टन रहा, बिजली बनाने में होता है इस्तेमाल। N95 मास्क की कीमतों में मैन्युफैक्चरर्स ने 47% की कमी की, NPPA के दखल के बाद घटे N95 मास्क के दाम। अम्फान पीड़ितों को जल्द मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, एडा ने बीमा कंपनियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। मोटोरोला के फ्लैगशिप फोन एच प्लस की बिक्री शुरू, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने पर मिलेगा 7,500 रुपए का डिस्काउंट। लॉन्चिंग से पहले सामने आए अमेज़ फिट बिप एस
स्मार्ट वॉच की कीमत 3,999 रुपए कीमत के साथ 3 जून को भारत में लॉन्च होगी। स्कूटर ने लॉन्च किया रैपिड का BS6 वर्जन, 7.5 लाख रुपए शुरुआती कीमत। होम क्रेडिट इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए 30,000 KN95 रेस्पिरेटर्स, 1,80,000 सर्जिकल मास्क भी दिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट को लेकर FSSAI ने जारी किए नए दिशा निर्देश, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री में 40% बढ़ोतरी। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1,00,000 लोगों की मौत, 17,00,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मनाया जा रहा है मेमोरियल डे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में अमेरिकी गृह युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मायामी में कुदरत का कहर, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। न्यूयॉर्क में अभी जारी रहेगी पाबंदियां, गवर्नर एंड्रू कुमो ने मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पहुंचा ब्राजील, पहली बार 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा मौत, एक दिन में 807 लोगों की गई जान। 3 तारीख से 2 दिन पहले अमेरिका ने बंद कर दी ब्राजील की उड़ान, आखिरी फ्लाइट के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ब्राजील में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंद की गई सभी उड़ानें, साओ पाउलो एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़। अगले महीने से इंग्लैंड में पाबंदियों में दी जाएगी छूट, बोरिस जॉनसन बोले 1 जून से खुलेंगे दुकानें और शॉपिंग सेंटर। पाकिस्तान में कोरोना के 1,356 नए मामले, 57,700 के पार पहुंचे मरीजों की संख्या, 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत। पेरू ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकालने के लिए शुरू की उड़ान सेवा, राजधानी लीमा में जुटे सैकड़ों सैलानी। दक्षिण अफ्रीका में 1 जून से लॉकडाउन में दी जाएगी ढील, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा बोले अनिश्चित काल के लिए देश में नहीं हो सकती पाबंदियां। ईरान में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला, मस्जिदों के परिसर तक ही होगी एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। आयरलैंड में थम गया कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटे में नहीं आया कोई नया मामला, 2.5 महीने बाद पहली बार कोई मौत नहीं। यूक्रेन में लॉकडाउन में ढील, खोल दिए गए सार्वजनिक परिवहन, होटल और चर्च, राजधानी कीव में दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। न्यूयॉर्क में पाबंदियों में छूट के बाद समुद्री तटों पर उमड़ी भारी भीड़, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।